महामारी काल में भी भारत को लेकर पश्चिमी मीडिया का दोहरा चरित्र सामने आया है। भारत की छवि नकारात्मक कैसे बने, इसके लिए पश्चिमी मीडिया दिन रात लगा रहा। आईएमसी के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। सर्वे के दौरान एक रोचक तथ्य ये भी सामने आया है कि लगभग 63% लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने वाली पश्चिमी मीडिया की नकारात्मक खबरों को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड या साझा नहीं किया है। पश्चिमी मीडिया की नापाक हरकत का एक बार फिर खुलासा हुआ है। भारतीय जनसंचार संस्थान के सर्वेक्षण में 82% मीडिया कर्मियों की राय है कि पश्चिमी मीडिया की भारत में कोविड महामारी की कवरेज पक्षपातपूर्ण रही। 69% मीडिया कर्मियों का मानना है कि इस कवरेज से विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है, जबकि 56% लोगों का कहना है कि इस तरह की कवरेज से विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति नकारात्मक राय बनी है। आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने बताया कि संस्थान के आउटरीच विभाग द्वारा यह सर्वे जून 2021 में किया गया है। इस सर्वे में देश भर से कुल 529 पत्रकारों, मीडिया शिक्षकों और मीडिया स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया है। सर्वे में शामिल 60% मीडिया कर्मियों का मानना है कि पश्चिमी मीडिया द्वारा की गई कवरेज एक पूर्व निर्धारित एजेंडे के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए की गई। अध्ययन के तहत जब भारत में कोविड महामारी के दौरान पश्चिमी मीडिया की कवरेज पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो 71% लोगों का मानना था कि पश्चिमी मीडिया की कवरेज में संतुलन का अभाव था। यह मीडिया अपने देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करता, उसको तीसरी दुनिया के देशों में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करने में आनंद आता है। मेरा मानना है कि कवरेज हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किंतु किसी देश की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी देश के सरकार को विफल करने के लिए, किसी देश में कुव्यवस्था और अप्रबंधन की बातों को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए विदेशी मीडिया ने जिस तरह का इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके हाथ खून से रंगे हों, कोई सरकार नहीं चाहती उसके नागरिक शिकार हों, लेकिन हमने देखा कि बड़ी बड़ी व्यवस्थाएँ, इटली, यूरोप के तमाम देश, ब्रिटेन, अमेरिका जैसी व्यवस्थाएं भरी रह गईं, और इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के होने के बावजूद उनकी हालत क्या हुई। भारत जैसी विशाल आबादी के होते हुए भारत की सरकार ने, भारत के लोगों ने काम किया, भारत की मीडिया ने जहां कहीं कुप्रबंधन था उसको भारतीय मीडिया ने स्वयं बड़े प्रखर स्वर से उठाया। हमारा मानना है कि ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसका अच्छा या बुरा हम अच्छा विचार कर सकते हैं। विदेशी ताकतों को, विदेशी शक्तियों को, विदेशी मीडिया को हमारे बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। क्या वे हमें अपने श्मशानों में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त देंगे? पर आप देखिए कि अमेरिका के पत्रकारों के ड्रोन हमारे श्मशानों पर उड़ रहे थे, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार का दोहरा रवैया ठीक नहीं है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी के अनुसार सर्वे में यह भी समझने की कोशिश की गई है कि महामारी के दौरान पश्चिमी मीडिया में भारत के विरुद्ध ये नकारात्मक अभियान वास्तव में कब शुरू हुआ। इसके जवाब में 38% लोगों ने कहा कि यह अभियान दूसरी लहर के दौरान उस समय शुरू हुआ जब भारत महामारी से लड़ने में व्यस्त था, जबकि 25% मीडिया कर्मियों का मानना है कि यह पहली लहर के साथ ही शुरू हो गया था। वहीं 21% लोगों का मानना है कि भारत के खिलाफ नकारात्मक अभियान तब शुरू हुआ जब भारत ने कोविड-19 रोधी वैक्सीन के परीक्षण की घोषणा की। इस प्रश्न के उत्तर में 70% लोगों ने कहा कि यह नकारात्मकता तब शुरू हुई जब भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू की। आईआईएमसी के सर्वे के दौरान एक रोचक तथ्य यह भी सामने आया है कि लगभग 63% लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने वाली पश्चिमी मीडिया की नकारात्मक खबरों को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड या साझा नहीं किया। इसलिए भारतीय जनसंचार संस्थान ने तय किया कि हम इस सच्चाई को सामने लाने का काम करेंगे, और इसलिए हमने पत्रकारों से बातचीत की, स्कॉलर से बातचीत की, उसके आधार पर सर्वे तैयार हो गया है। इसके एक एक तथ्य प्रामाणिक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क है, इसकी चिंता हम करेंगे, इसकी कमियों को हम ही ठीक करेंगे। उन्हें ज़रूर मज़ा आता होगा तीसरी दुनिया के लोगों को नीचा दिखाने में, तीसरी दुनिया को के देशों को नीचा दिखाने में, पर हम इससे आहत होते हैं, और इसलिए
या जो सर्वे है या हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। भारत के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, भारत के पत्रकारों ने इसको स्वीकार नहीं किया। आपने जो लिखा उस पर हम भरोसा नहीं करते, हमें मानते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम भारतीय मिलकर करेंगे, इसके लिए किसी विदेशी शक्ति को हमें मार्गदर्शन देने की आवश्यकता नहीं है। और यह सर्वे निश्चित रूप से एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने है। एक बहुत बड़ा विमर्श भी भारतीय जनसंचार संस्थान ने आयोजित किया था जिसमें अनेक बड़े पत्रकारों ने हिस्सा लिया था। उस निष्कर्ष में भी ये बात निकल करके आई थी कि विदेशी मीडिया ने जो रवैया अपनाया है, जो वो किया है, वो अपने साथ नहीं करते पर हमारे लोगों के साथ करते हैं। यह बहुत चिंता की बात है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रवैये को ठीक करने की आवश्यकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।